हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सो एज़ यू गाइस नो कि फेबर आ रहा है वैलेंटाइंस डे आ रहा है और वेलेंटाइंस डे के हिसाब से परफ्यूम से बेटर क्या गिफ्ट हो सकता है तो मैंने कहा एक वीडियो इसके ऊपर भी बनानी चाहिए सो तो आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो है सेलिब्रेट परफ्यूम गिफ्ट सेट बेसिकली ये गिफ्ट सेट मैंने बहुत जगह पर देखा है दराज पर भी बहुत नज़र आया तो मैंने कहा क्यों ना इसको ऑर्डर करके देखते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं कि ये रियल में है कैसा इसके अलावा मेरे पास और भी डिफरेंट आइडियाज़ हैं फॉर रिलेटेड टू वैलेंटाइंस डे तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उनके ऊपर भी वीडियोस बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो आल्सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल सो लेट्स मूव ऑन टू दी अनबॉक्सिंग बॉक्स आप लोगों ने देख लिया सिलेंड्रिकल बॉक्स है जिसके अंदर चार चीज़ें आती हैं और ये तीन कलर्स में अवेलेबल है एक रोज़ गोल्ड कलर में एक गोल्ड कलर में और एक सिल्वर कलर में दराज के ऊपर अवेलेबल है प्राइस इसकी जो मैंने ऑर्डर की थी वो थी टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड रुपीज़ इस गिफ्ट सेट की सबसे यूनिक बात यह है कि इसके अंदर जो परफ्यूम्स हैं उनकी बॉटल्स बहुत खूबसूरत हैं एक बॉटल है शैम्पेन की बॉटल जैसी और एक परफ्यूम की बॉटल और दूसरे परफ्यूम की बॉटल है जो वाइन ग्लास होता है उसकी शेप में तो बहुत क्यूट है सो so, जो फर्स्ट आइटम है वो परफ्यूम बॉडी लोशन है जो कि फिफ्टी एम एल का बॉटल है इसकी कलर भी बहुत प्यारा है पिंक कलर की ट्यूब में है ये और ये पूरा सेट ही बहुत क्यूट एंड प्री टाइप का है तो गिफ्ट के लिए सबसे बेस्ट है ओवरऑल इस गिफ्ट सेट में पाँच आइटम्स हैं दो परफ्यूम्स हैं एक बॉडी लोशन है एक शावर जेल है और एक लोफा था वो मैंने इसमें से हटा दिया है so, सो ये शावर जेल है इसका सेकेंड आइटम और ये भी फिफ्टी एम की ट्यूब में है ये भी वही पिंक कलर की ट्यूब में आई थिंक जैसे आप अगर आपने अगर रोज़ गोल्ड कलर में इसको ऑर्डर किया है तो सारी चीज़ें पिंक कलर की होंगी अगर गोल्ड सेट किया है ऑर्डर तो सारी चीज़ें गोल्ड कलर में होंगी देन द नेक्स्ट आइटम इज द वाइन ग्लास दिस इज़ अ परफ्यूम और इसके ऊपर सेलिब्रेट का लोगो या स्टिकर लगा हुआ है और ये भी रोज़ गोल्ड कलर का है और बहुत शाइनी और बहुत क्यूट और बहुत प्रति है और मुझे ये बहुत पसंद है ये इसकी जो शेप है पैकेजिंग और इसकी जो बॉटल की शेप है इट्स टू क्यूट ये गिफ्ट सेट डेकोरेशन के लिए भी बहुत अच्छा हो सकता है ये परफ्यूम जो हैं सो तो इस तरह से ये खुलता है इसकी बॉटल जो है वो ऊपर वाले पार्ट में है सो लेट्स स्प्रे इट एंड सी इसकी स्मेल कैसी है स्मेल इसकी बहुत ज़बरदस्त है बहुत प्रटी है वेरी फेमिनिन और बहुत सोफिस्टिकेटेड काइंड ऑफ फ्रेगरेंस है और स्वीट एंड मस्की टाइप की इसकी स्मेल है फ्लोरल थोड़ा सा कह सकते हैं बट इतनी ज़्यादा फ्लोरल नहीं है इसकी जो फ्रेगरेंस है वो ज़्यादातर सिंथेटिक टाइप की लगती है ऑर्गेनिक इतनी ज़्यादा नहीं लगती सो so, इतना ज़्यादा अगर आप से क्वालिटी में ज्यूम करें कि बहुत ज़बरदस्त होगी तो इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है लेकिन फ्रेगरेंस अच्छी है ऐसी भी नहीं है कि बिल्कुल यूज़ में ना आए आप इसको वेयर कर सकते हैं डे डे टाइम की है मस्की और एरोमेटिक काइंड ऑफ फ्रेगरेंस है स्वीट सो द नेक्स्ट आइटम इज़ ऑल्सो अ परफ्यूम

आप देख सकते हैं दोनों साथ रखे हुए कितने क्यूट लग रहे हैं और इनका कलर रोज गोल्ड कितना खूबसूरत लग रहा है बहुत प्रिटी बहुत प्यारा है ये लवली इस परफ्यूम की फ्रेगरेंस भी चेक कर लेते हैं कैसी है तो दिस इज़ हाउ इट ओपनजा इसके ऊपर भी सेलिब्रेट का लोगो लगा हुआ है स्टिकर टाइप का और लेट्स सी इसकी फ्रेगरेंस कैसी है इस वाले परफ्यूम की फ्रेगरेंस कंपैरेटिवली बहुत स्ट्रांग है और अच्छी है सोफिस्टिकेटेड है लेकिन थोड़ी सी स्पाइसी है थोड़ी सी स्ट्रांग है इस परफ्यूम की फ्रेगरेंस इज़ मोर ऑन द साइड ऑफ यूनिसेक्स परफ्यूम और जो दूसरा वाला जो ग्लास था वाइन ग्लास उस परफ्यूम की जो खुशबू थी इट वॉज़ मोर लाइक फेमिन स्मेल सो दिस इज शावर जेल जो कि इसका थर्ड आइटम है और इसकी भी स्मेल वगैरह और इसका टेक्स्चर वगैरह चेक कर लेते हैं ये पूरा सील्ड था इसकी जो शावर जेल की खुशबू है वो इतनी ज़्यादा नहीं है हालांकि ये एक गिफ्ट सेट है जो कि फ्रेगरेंस का है लेकिन फिर भी इसकी शावर जेल में इतनी ज़्यादा स्मेल फ्रेगरेंस नहीं है सो so, ये देख सकते हैं क्लियर है आ, कोई कलर नहीं है तो क्लियर शावर जेल है फ्रेगरेंस इसकी बहुत लाइट सी है और इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव या इतनी ज़्यादा इम्प्रेसिव स्मेल नहीं है शावर जेल की लेकिन क्योंकि गिफ्ट सेट के साथ है तो बहुत प्रटी लगता है और फ्रेगरेंस भी बस बहुत लाइट लाइट सी है इसकी शावर जेल की गिफ्ट देने के हिसाब से ये बहुत ज़बरदस्त है और ये है मेड इन चाइना है और ये इजीली दराज पे अवेलेबल है मैं वो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी ताकि आप लोग इजीली ले सकें सो so ये इसका जो शावर जेल का टेक्सचर है ये आप लोग देख सकते हैं किस तरह का है इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा फोमिंग भी नहीं है ये uh, वैसे फोमिंग है लेकिन इतना ज़्यादा फोमिंग नहीं है तो ये इसका टेक्स्चर है लेट्स चेक द टेक्स्चर ऑफ बॉडी लोशन नाउ सो दिस इज़ द बॉडी लोशन ये बॉडी लोशन भी फिफ्टी uh, एम ही है सो लेट्स ओपन इट एंड चेक हाउ इट इज़ सो so, ये भी उसी तरह सील्ड है सील्ड पैक है सील से आपको पता चलता है कि ये असली है या नकली है दिस इज हाउ इट इज़ व्हाइट कलर का लोशन है लोशन की खुशबू फिर भी अच्छी है इसकी एज कम्पेयर टू दावर जेल वैसे टेक्सचर वाइज भी इसका लोशन काफ़ी अच्छा है मैंने लगा के चेक किया था बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है और लाइट वेट लोशन है लेकिन ये बॉडी लोशन है मेरे ख्याल से फेस पे लगाने के लिए नहीं क्योंकि इसमें फ्रेगरेंस है तो वो थोड़ा सा इरीटेट कर सकती है फेशियल स्किन के को इस बॉडी लोशन की भी खुशबू बहुत ज़्यादा नहीं आ रही लेकिन लोशन अच्छा है लोशन का टेक्स्चर और सारी चीज़ें मॉइस्चराइजिंग बहुत है ज़बरदस्त लोशन है सो so, ओवरऑल मुझे ये तीन चारों चीज़ें ही बहुत पसंद आई हैं और जो परफ्यूम है वो मुझे जो ग्लास वाला वाइन ग्लास वाला परफ्यूम है वो ज़्यादा अच्छा लगा है और जो बॉटल वाला है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा बॉटल वाला यूनिसेक्स टाइप का है और जो वाइन ग्लास वाला परफ्यूम है वो थोड़ा सा फेमिनिन टाइप का है तो वो ज़्यादा अच्छा लगा है इसके अलावा जो बॉडी लोशन और शावर जेल है शावर जेल मैंने यूज़ नहीं किया लेकिन बॉडी लोशन यूज़ करने में बहुत ज़बरदस्त है लेकिन शावर जेल और बॉडी लोशन दोनों में इतनी ज़्यादा फ्रेग्रेंस नहीं है सो आई थिंक दैर वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो आई होप आप लोगों को ये रिव्यू अच्छा लगा हो और इससे कुछ गिफ्ट आइडियाज़ भी मिल गए हों आपको क्योंकि वेन्टाइंस डे करीब है तो मैंने कहा अगर किसी को एक गिफ्ट देना है तो वाई नॉट आई शुड शेयर अ रिव्यू विद यू गाइज तो ये ईजीली दराज पे अवेलेबल है और इसकी जो पैकेजिंग और जो इसकी परफ्यूम बॉटल्स है उसकी वजह से ये बहुत मुझे इंप्रेसिव लगा था तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है सो गाइज दैट वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो आई होप यू लाइक दट इफ यू डिड प्लीज इट लाइक और कॉमेंट में प्लीज मुझे जरूर बताएगा की आप और किस तरह की वीडियोज देखना चाहते हैं और किन परफ्यूम्स के रिव्यूज पे वीडियोस मुझे बनानी चाहिए जो आप लोगों को पसंद है प्लीज़ प्लीज़ अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में जाके एंड आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब इसको लाइक भी कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय